प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। यह है स्काईमेट वेदर का मौसम पूर्वानुमान। इस वीडियो में हम जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा कि मार्च के महीने में दो डीप डिप्रेशन बने, हालांकि दोनों बार तूफान बनते बनते रह गया और मार्च के शुरुआती दौर में एक डीप डिप्रेशन बना था और दूसरा डीप डिप्रेशन बना था जो मार्च के लास्ट वीक में बना था, और वो जो डिप्रेशन था डीप डिप्रेशन वो म्यांमार की तरफ चला गया। क्या होता है कि मार्च के महीने में जो साइक्लोन बनने की संभावना बहुत कम होती है। अरब सागर में एक भी साइक्लोन मार्च के महीने में अभी तक, जब से रिकॉर्ड हमने रखना शुरू किया है 1901 से, एक भी साइक्लोन नहीं बना है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में 5 साइक्लोन बन चुके हैं जो 1901 से लेकर के 2022 तक देखने को मिले हैं। हालांकि इस बार मार्च के महीने में दो डीप डिप्रेशन बने और अप्रैल के महीने में, अप्रैल मई और जून के जो आधा है जून, वहां तक पहला एपिसोड होता है जब साइक्लोन बनते हैं बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो दूसरा सीजन होता है उसमें जो साइक्लोन बनते हैं वो ज़्यादा सशक्त होते हैं। मार्च के महीने में अगर कोई साइक्लोन बनता है तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाकर के रिकर्व होता है, और अप्रैल के महीने में भी हमने देखा है कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाकर के रिकर्व होता है, लेकिन फानी जो था उसने पुरी के आसपास 3 मई को स्ट्राइक किया था और जो मुर्था था वो भी इस तरह से घूमा था और म्यांमार की तरफ चला गया था। यानी दो साइक्लोन पिछले 10 सालों में अप्रैल के महीने में बने हैं और अप्रैल के महीने में पिछले 10 सालों में अरब सागर में एक भी साइक्लोन नहीं बना है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया है ये 3 या 4 अप्रैल को, मतलब पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, उसके बाद ये लो प्रेशर एरिया बनेगा और 5 या 6 अप्रैल के आसपास हो सकता है कि ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए और उस समय ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी भारी बारिश देगा। अभी शुरुआती दौर में तो ये इस तरह से जा करके रिकर्व करने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है और इससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इसमें ये जो साइक्लोन अगर बनता भी है तो इस तरफ नहीं आएगा। हो सकता है कि उड़ीसा के उत्तरी इलाकों, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ ये चला जाए। अभी से ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो नॉर्मल ट्रैक होता है इस सीजन में वो इस तरह से घूमता है। तो जब ये कुछ वेदर बनेगा तभी हम इसके बारे में बता पाएंगे। अभी एक आपको अंदाजा बता रहे हैं कि अप्रैल के पहले सप्ताह में कुछ न कुछ साइक्लोजेनेसिस या वेदर एक्टिविटी यहां पर होने वाली है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण भारत की तरफ अगर देखें तो केरल और जो दक्षिण तटीय कर्नाटका, दक्षिण आंध्र कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। हालांकि तमिलनाडु पूरी तरह शुष्क रहेगा, पहाड़ी इलाकों में जो केरल से सटे हुए हैं वहां पर हल्की हल्की बारिश हो सकती है। और जो चेन्नई वगैरह है और उसके आसपास के इलाके हैं जैसे कि तिरुपति जो ऊपर इलाका है, कावली है, नेल्लोर है, इन इलाकों में, आंध्र प्रदेश में चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल और नागापट्टनम, पम्बन, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी और लक्षद्वीप शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में अप्रैल के पहले सप्ताह में बारिश बढ़ेगी। और अब आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, उत्तरी आंध्र कर्नाटका और तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर हम मध्य भारत की तरफ रुख करते हैं तो मध्य भारत में आपने देखा होगा कि इस समय सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो मध्य भारत ही झेल रहा है। और मध्य भारत में अगर देखें तो राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाके जो हैं वो 41, 42 और 43 डिग्री तक का तापमान देख रहे हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़े रहेंगे, हीट वेव इन सारे इलाकों में रहेगी और ये अगले कई दिनों तक इस तरह का प्रकोप देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रैल के 10 तारीख या 12 तारीख तक किसी भी तरह की यहाँ मौसमी गतिविधि नहीं होगी। जब तक मौसमी गतिविधि नहीं होगी यानी बारिश या कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी नहीं होगी तब तक तापमान नहीं गिरेंगे, तो हम कह सकते हैं कि अगला 10 या 12 दिन अभी गर्मी झेलनी पड़ेगी। और अगर उत्तर भारत की तरफ रुख करें तो उत्तर भारत में भी किसी भी तरह की राहत नहीं है। हालांकि हीट वेव आती जाती रहेगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कभी 40 से ऊपर पहुंच जाएंगे तापमान, कभी 39-38 तक आ जाएंगे, कभी 41-42 तक पहुंच जाएंगे। यानी इस तरह का एपिसोड अप्रैल के पहले पखवाड़े तक देखने को मिलेगा और अप्रैल के पहले पखवाड़े तक हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कोई वेदर एक्टिविटी हो। हालांकि अप्रैल का जो महीना है उसमें प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार मार्च पूरी तरह शुष्क रहा और अप्रैल का महीना भी हमें लग रहा है कि पूरी तरह शुष्क रहेगा। पूरा नहीं, यानी कि शुरुआती दौर में पहले 1 या 2 हफ्ते गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, उसके बाद जब प्री मानसून गतिविधियाँ शुरू होंगी तो वेदर
थोड़ा सा सामान्य होने लग जाएगा। पहाड़ों पर कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा, यानी पहाड़ पूरी तरह शुष्क रहेंगे और जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर बीच बीच में हल्की हल्की बारिश होती रहेगी और ये हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की दुनिया नहीं होंगी और सामान्य से ज़्यादा तापमान रहेंगे, कुछ इलाकों में हीट वेव बनी रहेगी। पूर्वी भारत में भी ये पूरी जो हवाएं हैं आप देखिए पूरी तरह से शुष्क हवाएं, यहाँ कोई वाटर बॉडी नहीं है, यानी समुद्र या कोई बड़ा ऐसा स्रोत नहीं है पानी का जो यहाँ पर नमी दे, तो इधर से पूरी सूखी हवाएं घूम करके यहाँ तक आ रही हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेंगे। उड़ीसा में हीट वेव आ सकती है, पश्चिम बंगाल में भी कुछ इलाकों में तापमान बढ़ सकते हैं, झारखंड और बिहार में भी तापमान बढ़ सकते हैं, लेकिन ये हवाएं जब घूम रही हैं तो ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में आ रही है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अभी जारी रह सकती हैं जो अगले 3-4 दिनों तक रहेंगी और कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।